ये रहा हमारा सेकंड, 3 cos थीटा इज इक्वल टू 4 sin थीटा, फाइंड cos 2 थीटा। अब फाइंड cos 2 थीटा, हमारे पास cos थीटा के दो सत्य है, एक tan में है ओके और एक sin और cos में। तो यहां पर हमारा जो सवाल दिया हुआ है, सबसे पहले हम गिवन में से लिखते हैं, देखिए लिखते हैं हम लोग, देखिए cos थीटा का हमारे पास एक जाता है 1 minus tan square थीटा by 1 plus tan square थीटा। अब यही जाता हम यहां पर यूज करेंगे, क्यों यूज करेंगे आइए देखिए, एग्जांपल हमें कहता है। तो यहां पर देखिए एक cos दिया हुआ है, sin दिया हुआ है, दोनों के दरमियान में इक्वल दिया हुआ है, जब हम ट्रांसफर करेंगे तो जाहिर सी बात हमको tan वाला हिस्सा मिलेगा। तो हम इसे लिख सकते हैं ऐसा, tan थीटा इज़ इक्वल टू 3/4, यानी cos इधर ट्रांसफर होगा, यानी sin थीटा बटे cos थीटा, यानी हमने cos को इधर ट्रांसफर किया तो 4 इधर ट्रांसफर होगा, यानी 3/4, बस यहां पर रखना है आपको ओके। देखिए यहां पर इस्तेमाल करते हैं हम लोग, अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1 - 9/16 ओके। इसी तरीके से ये हो जाएगा हमारा 1 + 9/16, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 6 - 9/16 और 6 - 9/16, ये 16 से कैंसिल, ऊपर कितना बचा, 16 में से 9 गए 25।